क्रिया, क्रिया की परिभाषा मालूम है? क्रिया किसको कहते हैं? जिस शब्द से किसी कार्य के होने या करने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे आना जाना, खाना पीना, सोना उठना बैठना, तमाम सारी क्रियाएं हैं। और क्रिया के रूप में लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार बदलाव होते रहता है। जैसे राम जाता है, अगर इसका लिंग बदल देंगे तो क्रिया में बदलाव हो जाएगा, जाती है। अगर वचन बदल देंगे तो वे जाते हैं। इस तरह से लिंग, पुरुष, वचन और कारक के बदलने पर क्रिया में बदलाव होते रहता है। आज संख्या कम है, बाकी लोग कहाँ गए? छुट्टी पर हैं? अच्छा, तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि क्रिया लिंग, पुरुष, वचन, कारक के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप बदलते रहती या उसमें परिवर्तन होते रहता है। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जो संस्कृत पढ़े होंगे उनको पता होगा कि धातु क्या है। जो संस्कृत में धातु कही जाती है वही क्रिया है। अब क्रिया का जो भी रूप होता है उसमें धातु विद्यमान होती है। जैसे हिंदी में जाना एक क्रिया है, ना को हटा देंगे तो ये मूल शब्द बच जाएगा जिसे हम धातु कह सकते हैं। खाना में ना हटा देंगे तो खा बच जाएगा। तो इस तरह से आप देखेंगे तो जाना में जा धातु है, पढ़ना में पढ़ धातु है, ना कट जाएगा। तो ना हटा देंगे तो मूल जो बचेगा वह धातु होगी। अब संस्कृत में तो जैसे गम धातु है तो गम धातु से अलग रूप बनते हैं और दस लकारों में बनते हैं। एक ही शब्द के कितने रूप हो जाते हैं। तो शब्द जो है, शब्द संरचना में धातु और संज्ञा, इनसे शब्द बनते हैं। लेकिन शब्द बनाने के लिए जो साधन होते हैं, जो उपक्रम होते हैं, वो क्या है? उपसर्ग है, प्रत्यय है, संधि है, समास है। ये चार साधन हैं जिनके उपक्रम से, जिनके माध्यम से शब्दों की रचना की जाती है। ठीक है, अभी वो हम जब उपसर्ग प्रत्यय पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे। धातु के दो भेद हैं, एक मूल धातु है और दूसरा यौगिक धातु है। मूल धातु को रूढ़ क्रिया भी कहते हैं। जैसे चल, जा, खा, रह, पढ़, लिख, ये मूल धातुएं हैं। और यौगिक क्रियाएं क्या है? मूल धातु में प्रत्यय लगाकर यौगिक क्रियाएं बनाई जाती हैं और वह संज्ञा अथवा विशेषण में प्रत्यय लगाकर भी बनाई जाती हैं। यह तीन प्रकार की होती हैं, प्रेरणार्थक क्रिया, यौगिक क्रिया प्रेरणार्थक, संयुक्त क्रिया
नाम धातु और एक है अनुकरणात्मक क्रिया। यह यौगिक क्रिया का भेद है, जो रूढ़ क्रिया है उसके कोई भेद नहीं है। मूल धातु में से जैसे खाना, पढ़ना, जाना, इसमें से ना को हटा देंगे तो मूल धातु बन जाएगी और उसको रूढ़ क्रिया भी कहते हैं। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया में कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता बल्कि वह दूसरे से करवाता है। जैसे गोविंद ने राम को जगाया, गोविंद ने राम को जगाया, तो यहां ये प्रथम प्रेरणार्थक इसको कह सकते हैं। राम किसकी प्रेरणा से जागा? गोविंद की प्रेरणा से जागा। अब गोविंद ने राम को जगवाया, यहां गोविंद राम को नहीं जगा रहा है, गोविंद किसी को माध्यम बना रहा है, वो जाकर राम को जगा रहा है। तो वह प्रथम प्रेरणार्थक है जिसमें गोविंद स्वयं उसको प्रेरित करता है जागने के लिए, और द्वितीय प्रेरणार्थक में गोविंद किसी दूसरे से उसे जागने के लिए प्रेरित करवाता है। बात समझ में आ रही है ना? गोविंद ने राम को जगाया, गोविंद ने राम को जगवाया, दोनों में ही प्रेरणा है। एक में गोविंद स्वयं प्रेरणा दे रहा है उसको जागने के लिए, दूसरे में वह किसी अन्य को प्रेरित कर रहा है कि उसे जगा दो। अब इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे उठना, कुछ उदाहरणों से शायद और समझ में आ जाए। उठना मूल धातु है, ना हटा देंगे तो मूल धातु हो जाएगा। अब उठाना प्रथम प्रेरणार्थक है और उठवाना द्वितीय प्रेरणार्थक है। देना, दिलाना और दिलवाना, ये द्वितीय प्रेरणार्थक है। बहुत सारे विद्यार्थी अभी भी बोलते हैं यहाँ कि मैं परीक्षा दिलाने गया था। परीक्षा देने गया था नहीं बोलते हैं, परीक्षा दिलाने गया था, मतलब किसी को लेकर गए थे परीक्षा दिलवाने के लिए, खुद परीक्षा नहीं दिए। करना, कराना, करवाना, ऐसे ही सोना, सुलाना और सुलवाना, स्पष्ट हो रहा है कि नहीं? सुलाना मतलब बच्चे को सोने के लिए प्रेरित कर रहा है। अब वो बच्चे को सुलाओ चाहे बड़ों को भी सुला सकते हो। और सुलवाना मतलब किसी और से उसको सोने के लिए प्रेरित करवाना। तो वो प्रथम प्रेरणार्थक है, द्वितीय प्रेरणार्थक। ऐसे खिलाना,
ना को अलग कर दे रहे हैं, नहीं खाना से है, ना को अलग कर दीजिएगा, खाना से खिलाना और खिलवाना। हम सभी लोग ख गलत लिखते हैं, हो ख असल में उसका मूल रूप ऐसा है, तब हम इसको ख पढ़ते हैं। अगर खाना आप ऐसा लिखते हैं तो ये रवाना हो जाता है, लेकिन यहाँ चूंकि लोग सभी लोग समझते हैं इसलिए हम ऐसा लिख दे रहे हैं। लेकिन अगर कहीं शुद्ध करने की बात आए तो इस बात को ध्यान में रखना। इसी तरह से पीना, पिलाना और पिलवाना, तो ये बात समझ में आ गई। प्रेरणार्थक क्रिया में प्रथम प्रेरणार्थक और द्वितीय प्रेरणार्थक, ये दो रूप होते हैं। संयुक्त क्रिया, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जैसे उठना बैठना, चलना फिरना, खाना पीना, जाग जाना। अब इसको देख लीजिए, जाग जाना, जागना भी क्रिया है और जाना भी क्रिया है। जाग जाना, पढ़ लेना, पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है। चलना फिरना, उसमें दोनों है क्रिया। खा चुका, पढ़ लेना, खा लेना, ये सब संयुक्त क्रिया है, दो क्रियाओं के योग से बनी हुई क्रियाएं हैं। बात समझ में आ रही है? और तीसरी क्रिया जो नाम धातु है, इसका भेद, नाम धातु, नाम का मतलब क्या होता है? नाम का मतलब संज्ञा, राइट। संज्ञा की सबसे छोटी परिभाषा है नाम को ही संज्ञा कहते हैं। तो अब संज्ञा से क्रिया कैसे बनती है? जो जहां संज्ञा से क्रिया बनती है, संज्ञा सर्वनाम विशेषण से, उसे नाम धातु के नाम से जानते हैं। जैसे हाथ से हथियाना, उन्होंने उसकी पुस्तक हथिया ली, ऐसे ही बात से बतियाना, दो मित्र आपस में बतिया रहे थे। बात संज्ञा है और बात से हमने क्रिया बना दिया बतियाना। ऐसे ही लात से लतियाना, रामू ने श्यामू को भरपूर लतियाया।
इसी तरह से अपना से अपनाना, गरम से गरमाना, झूठ से झूठलाना, इस तरह से बहुत सारे शब्द हो सकते हैं। तो संज्ञा सर्वनाम विशेषण से जो क्रियाएं बनती हैं उसे नाम धातु के नाम से जानते हैं। आखिरी जो इसका भेद है, अनुकरणात्मक क्रियाएं। अनुकरणात्मक क्रिया का उदाहरण बताइए एकाध। पहले मोटरसाइकिल को क्या बोलते थे? फटफटिया। बाइक तो आज की देन है। फटफटिया क्यों बोलते थे? वो उसकी आवाज फटफट की आवाज आती थी, इसलिए उसको फटफटिया बोलते थे। ऐसे ही अनुकरण, अनुकरणात्मक शब्दों से या अनुकरण से शब्द बन जाते हैं। जैसे खटखटाना, आप किसी के दरवाजे पर जाते हैं, ठोकते हैं तो खट की आवाज आती है, तो खटखटाना हो गया। थपथपाना, जब आप थप थप की आवाज लगाते हैं, किसी को थपकते हैं तो थप थप की आवाज आती है, तो उसको थपकाना बोल देते हैं या थपथपाना बोल देते हैं। ऐसे ही ठंड से आदमी अगर थरथराता है तो थरथराना शब्द बन गया। अनुकरणात्मक है, जिस तरह का की क्रिया होती है उसी के अनुकरण पर शब्द बन जाते हैं। सनसनाना, ये सब अनुकरणात्मक क्रियाएं हैं, सब देसी शब्द हैं ये। तो ये तो क्रिया के भेद, धातु के रूप में जो क्रिया के भेद होते हैं वो भेद हैं। अब क्रिया के वास्तव में कौन से भेद होते हैं? वो दो भेद होते हैं, अकर्मक और सकर्मक। क्रिया के भेद देख लो, र लटक गया बगल में और यहां ऊपर चला गया। सकर्मक, अकर्मक और सकर्मक दो क्रियाएं होती हैं। ये यहां बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग। अकर्मक क्रिया कौन सी होती है और सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? सकर्मक में जाहिर है कि उसमें कर्म होगा। कर्म होगा तो क्रिया का फल किस पर पड़ेगा? कर्म पर पड़ेगा। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, पढ़ना क्रिया का फल किस पर पड़ता है? पुस्तक पर, इसलिए यह सकर्मक क्रिया है। पुस्तक को ही पढ़ रहा है ना? अच्छा, नहीं समझ आ रहा। राम आम ख
खाता है। अब बताओ खाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? हैं? बेचारा कट रहा है आम और प्रभाव पड़ रहा है राम पर। भाई क्रिया का जो प्रभाव है वो किस पर पड़ रहा है? कर्म है तो कर्म पर ही पड़ेगा, अगर कर्म नहीं है तो उसका प्रभाव किस पर पड़ेगा? कर्ता पर पड़ेगा। जैसे वह सो रहा है, सोने का प्रभाव किस पर पड़ा? सीधे सीधे कर्ता पर पड़ा। इसलिए यह अकर्मक क्रिया है। वह खुजलाता है, खुजलाने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है? कर्ता पर पड़ रहा है। लेकिन अगर यही शब्द ऐसा हो, वह सिर खुजलाता है, तो यह क्रिया सकर्मक हो जाएगी। कई क्रियाएं सकर्मक भी होती हैं, अकर्मक भी होती हैं। कई क्रियाएं केवल अकर्मक होती हैं, कई क्रियाएं केवल सकर्मक होती हैं। सीता गीत गाती है, ये सकर्मक है कि अकर्मक है? सकर्मक है, राइट। तो क्रिया के साथ क्या किसको लगाकर अगर आप प्रश्न करते हैं, जवाब में अगर कुछ मिलता है तो वह सकर्मक क्रिया है, अगर जवाब में कुछ नहीं मिलता है तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे राम क्या पढ़ता है? पुस्तक पढ़ता है। राम क्या खाता है? आम खाता है। वह क्या सो रहा है? कुछ नहीं। वह खुजलाता है? यहां कोई उत्तर नहीं मिल रहा है। लेकिन वह सिर खुजलाता है, क्या खुजलाता है? सिर खुजलाता है। सीता क्या गाती है? गीत गाती है। ये सबसे आसान तरीका है, आप जो है उसको पा सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि राम पुस्तक पढ़ता है सकर्मक क्रिया है, राम पढ़ता है अकर्मक क्रिया है, क्योंकि इसमें कर्म नहीं है। लेकिन सवाल तो ये पैदा होता है कि पढ़ता है तो कोई ना कोई ऑब्जेक्ट तो होगा, किताब पढ़ रहा होगा, पेपर पढ़ रहा होगा या कुछ पढ़ रहा होगा, तो ऐसी स्थिति में उसको सकर्मक क्रिया करार दिया जा सकता है। लेकिन कर्म इसमें नहीं है इसलिए अकर्मक भी कह सकते हैं। अब ये हम जब बार बार कहते हैं विवेक का इस्तेमाल करने के लिए, तो ऐसे ही जगह पर विवेक का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब उसने अगर पूछ दिया कि इसमें अकर्मक क्रिया कौन सी है, राम पढ़ता है लिख दिया, बाकी दो तीन और विकल्प दे दिए जो सकर्मक है, जिसमें ऑब्जेक्ट है, जिसमें कर्म है, तो ऐसी स्थिति में ये अकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो इसीलिए मैं बार बार आपसे कहता हूं कि विवेक का इस्तेमाल कीजिए, धैर्य के साथ प्रश्न का उत्तर दीजिए। हड़बड़ी में उत्तर अगर देंगे तो गड़बड़ी हो जाएगी। ऐसा हो सकता है तो आप इस बात का भी ध्यान रखें। मोहन हंसता है,
क्या हंसता है, नहीं मिलेगा उत्तर, अकर्मक क्रिया है। तो ये परमानेंट अकर्मक क्रिया है। वह रो पड़ा, अकर्मक क्रिया है। क्या रो पड़ा, कोई उत्तर नहीं मिलेगा। कुछ क्रियाएं सकर्मक और अकर्मक दोनों होती हैं, यह हमने बताया, जिसका उदाहरण वो राम पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है के रूप में दिया कि उसे सकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है और अकर्मक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। वह फुटबॉल खेल रहा है, सकर्मक क्रिया है। वह खेल रहा है, अकर्मक क्रिया हो जाएगी। वह लजा रही है, अकर्मक क्रिया है। क्या लजा रही है, कोई जवाब नहीं मिलेगा। लेकिन वह तुम्हें लजा रही है, सकर्मक क्रिया हो गया। वहां तुम्हें जो है ऑब्जेक्ट के रूप में आ गया। ये तो क्रिया के मुख्य भेद हैं दो। इसके बाद अन्य भेद भी हैं क्रिया के। ये हमने कई किताबों से कंसल्ट करके इसको तैयार किया है। हो सकता है एक किताब में सारी चीज़ें न भी मिले, ऐसा भी हो सकता है। सहायक क्रिया, सहायक क्रिया हर वाक्य में रहता है। राम घर जाता है, इसमें मुख्य क्रिया क्या है, जाता है, ये मुख्य क्रिया है। और है जो है वह सहायक क्रिया है। वे हंस रहे थे, यहां हंसना मुख्य क्रिया है, रहे थे सहायक क्रिया है। ये तो बात समझ में आ गई, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया, क्रिया जो है अंग्रेजी में भी होती है। अब दूसरा इसका भेद है पूर्णकालिक क्रिया। व्याकरणाचार्य लोग इतना भेद कर डाले हैं कि पढ़ने में दिक्कत हो जाती है। इसमें एक क्रिया पहले संपन्न हो जाती है, उसके बाद दूसरी क्रिया होती है। जैसे वह भोजन करके सो गया। भोजन करके ये क्रिया पूरी हो चुकी है। फिर सोना मुख्य क्रिया हो जाएगी अगर ऐसा पूछा जाए, और गया सहायक क्रिया हो जाएगी। जाना का ये भूतकालिक रूप है। तो भोजन करके पूर्णकालिक क्रिया में यही बात यहां रेखांकित करना है कि एक क्रिया पूरी हो जाती है, फिर दूसरी क्रिया शुरू होती है। नाम बोधक क्रिया, ये नाम बोधक क्रिया उस नाम बोधक क्रिया से थोड़ा सा अलग है।
जैसे लाठी क्या है, संज्ञा है, लाठी मारना ये नाम बोधक क्रिया हो गया। कोई एंड बैंड बात करता है तो कहते नहीं है कि क्या यार लाठी मार रहे हो। रक्त संज्ञा है लेकिन ये भी कभी कभी खोलने लगता है तो रक्त खोलना, हालांकि ये मुहावरा है लेकिन ये संज्ञा के साथ जुड़कर नाम बोधक क्रिया बन जाता है। इसी तरह से विशेषण है दुखी, दुखी व्यक्ति, कोई भी दुखी होगा तो वो उसका विशेषण है। अब इससे क्रिया है दुखी होना, दुखी होना। अब बोलते हैं ना, अरे दुखी मत हो यार, अगले बार प्रयास करना हो जाएगा। पीला पड़ना, पीला विशेषण है लेकिन पीला पड़ना क्रिया बन जाता है जिसको नाम बोधक क्रिया कहते हैं। अब बड़ा इंपॉर्टेंट है चौथा भेद इसका, द्विकर्मक क्रिया। जिसमें दो कर्म एक साथ आते हैं उसे हम द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। अच्छा, द्विकर्मक क्रिया में गौण कर्म पहले आता है और मुख्य कर्म बाद में होता है। और जो गौण कर्म होता है उसके साथ परसर्ग लगा होता है। जैसे अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, यहां छात्रों को गौण कर्म है और मुख्य कर्म क्या है, हिंदी। तो एक तो ये लक्षण है कि जो गौण कर्म होगा उसके साथ परसर्ग लगा होगा। परसर्ग मतलब केवल को नहीं होता, परसर्ग मतलब कारक चिन्ह या विभक्त चिन्ह, उसके साथ परसर्ग लगा होगा और वो सजीव होगा। गौण कर्म जो होता है वह सजीव होता है और मुख्य कर्म जो होता है वह निर्जीव होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, श्याम ने मोहन को थप्पड़ मारा, क्या हिंदी जो है वो मुख्य कर्म कैसे होगा, पढ़ाई होगा क्या मुख्य कर्म? पढ़ाई क्रिया है कि कर्म है? पढ़ाई से अगर क्या का प्रश्न करोगे, क्या पढ़ाई,
तो हिंदी पढ़ाई आएगा। भाई इसलिए कई लक्षण तो बता दिए कि मुख्य जो गौण कर्म होगा उसके साथ परसर्ग लगा होगा, पहली बात। गौण कर्म होगा वो पहले आएगा, दूसरी बात। गौण कर्म होगा वो सजीव होगा, ये तीसरी बात। अब इतने लक्षणों से अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो फिर मुश्किल काम है। और जो मुख्य कर्म होता है वह निर्जीव होता है। आप यहां देख लीजिए, यहां हिंदी भी निर्जीव है, थप्पड़ भी निर्जीव है। कि थप्पड़ सजीव है, खुद चलकर लगता है। पांचवा भेद है संयुक्त क्रिया। ज्यादा नहीं है, जानना तो सबको चाहिए जितना है। क्वेश्चन विकल्प के रूप में पूछे जाते हैं, जब आपको सब मालूम रहेगा तो उसका उत्तर भी दे लेंगे। एग्जाम्पल वो टेस्ट होगा तो बताएंगे, पूछेंगे उसमें तो पता लग जाएगा। देखिए असल में ये वैकल्पिक प्रश्न तो इसमें से बनता नहीं, लेकिन बनाने वाले बना भी लेंगे। अब अध्यापक ने छात्रों को हिंदी पढ़ाई, अब इसमें से मुख्य कर्म कौन सा है छात्रों को दे देगा? ए हिंदी, बी और पढ़ाई सी कर देगा, इनमें से कोई नहीं कर देगा। तो बनाने के लिए तो प्रश्न बन जाता है। तो ऐसी स्थिति में या तो एक में एक विकल्प में देगा छात्रों को हिंदी मुख्य कर्म है। भाई गलत देना है तो गलत तो किसी भी तरह से बनाएगा, एक को सही कर देगा। तो वो जानकारी अगर आप पढ़े हैं, आपको मालूम है, तो आप सही उत्तर देंगे। ऐसे होता है ना, विकल्प में जो चार विकल्प होते हैं उसमें एक ही सही होता है, बाकी तो गलत होते हैं। गलत ऐसा कई बार होता है कि सब मिलते जुलते रहते हैं, तो उसमें से छांटना और मुश्किल हो जाता है। वो आपने देखा पर्यायवाची विलोम में कुछ ऐसे ही शब्दों की सीरीज आ रही थी कि उसको जो है आप कंफ्यूज हो जाएंगे। भाई एग्जामिनर का काम ही आपको कंफ्यूज करना है। एग्जामिनर आपके रास्ते में बाधा डालने का ही काम करता है, और उस बाधा को आप कैसे पार करते हैं यह आपके विवेक पर निर्भर करता है। जैसे वह खाने लगा, हाँ दो क्रियाओं से मिलकर बनती है, खाना भी क्रिया है और लगना भी क्रिया है। खाने लगा, वह पेड़ से कूद पड़ा, कूदना भी क्रिया है और पढ़ना भी क्रिया है। पेड़ से कूद पड़ा, आजकल तो लोग बिल्डिंग से कूद जाते हैं, तो पेड़ ही से कूदा बेचारा। पेड़ से कूदेगा तो भी टहनी फहनी में अटक जाएगा, बिल्डिंग से कूदेगा तो कहीं नहीं अटकेगा, सीधे सीधे आएगा। मैंने किताब पढ़ ली, पढ़ना भी क्रिया है और लेना भी क्रिया है।
वह खेलती कूदती रहती है। एक को छोड़कर सब क्रिया है, केवल कर्ता को छोड़ दीजिए, खेलना भी क्रिया है, कूदना भी क्रिया है, रहना भी क्रिया है, और ये भी सहायक क्रिया है। चिड़िया उड़ा करती है, उड़ना और करना। उड़ना भी क्रिया है, करना भी क्रिया है, ये संयुक्त क्रिया होती है, जहां दो क्रियाओं के योग से वाक्य बनता है। क्रियार्थक संज्ञा एक और है भेद। हाँ, क्रियार्थक संज्ञा, ये व्याकरणाचार्य लोग जो है ना बड़े हम लोग जब छोटी क्लास में पढ़ते थे तो लेखकों कवियों को गाली देते थे, अरे ये लिख लिख के मर गए ससुरे, हम लोगों को पढ़ना पड़ता है, तो ये इतने लिख डाले हैं कि पढ़ते पढ़ते मर जाओगे, पढ़ नहीं पाओगे। टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। टहलना क्रिया है, लेकिन यहां संज्ञा के रूप में उसका प्रयोग हुआ है। हाँ, क्रियार्थक संज्ञा उसका नाम ही है, क्रिया है लेकिन संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। देश के लिए मरना कीर्तिदायक है। यहां मरना जो है क्रिया संज्ञा के रूप में इस्तेमाल हुआ इसका। अब इसके बाद कुछ अनेकार्थक क्रियाएं हैं, भेद ही समझ लीजिए। अनेकार्थक यानी एक से अधिक अर्थ में उसका प्रयोग होता है। अब एक उदाहरण दूं, खाना, वह रोटी खाता है, सामान्य सी बात है, वह मार खाता है। मार कोई खाने की चीज है, लेकिन मार खाता है। वह हराम का पैसा खाता है। देखो खाना का प्रयोग कहां कहां हो रहा है। वह कसम खाता है, कसम भी खाने की चीज है। वह मेरा सिर खाता है, बताओ सिर भी खा लेता है। वह प्रातः काल हवा खाने सैर पर जाता है,
वह हवा भी खाता है और बंगाली तो पानी भी खाता है। तो देख लीजिए, अनेकार्थक क्रिया इसीलिए इसको कहा गया है कि एक ही क्रिया है, कितने अर्थों में उसका प्रयोग होता है। नहीं, बहुत सारे शब्द हो सकते हैं, ढूंढो, प्रयोग करो। लगना, किसी को मीठा लगता है, मोबाइल चलाता है, साइकिल चलाता है। नहीं, किसी को ठंड लगती है, लगने की बात है, मीठा भी लगता है और ठंड भी लगती है, मन भी लगता है। लोग काम में लग जाते हैं, तो लगना क्रिया का कितनी जगह प्रयोग हो गया। इसी तरह से मिलना, किसी से मिलना, कुछ मिलना, मिलने का प्रयोग आप कर रहे हैं, किसी से मिलने जा रहे हैं और आपको कुछ मिल गया। किसी के चेहरे मिलते हैं आपस में, किसी का दिल मिल जाता है, और दिल मिलता है तो फिर सजा मिलती है। दिल मिलने की सजा बहुत बड़ी होती है, इसलिए आप लोग जब तक करियर न एस्टेब्लिश कर लें तब तक कहीं दिल न लगाएं। दिल लगाएंगे तो आप अपने सर जैसे हो जाएंगे, वो तो क्लास में भी बताते होंगे। तो है, अरे वो खुद बताते होंगे भाई, मैं क्या बताऊं। अगर वो दिल न लगाए होते तो आज किसी न किसी कुर्सी पर बैठे होते, आईएएस का प्रीलिम क्लियर कर चुके थे। नहीं, लग जाने से बचाइए, लग तो जाता है, हमें भी मालूम है। मैं तो हिंदी का विद्यार्थी रहा हूँ, प्रोफेसर रहा हूँ। दिल लगाया नहीं जाता, लग जाता है, लेकिन उससे बचिए, लगने ना पाए। लग तब जाता है जब थोड़ा सा मन होता है, मन नहीं होगा तो नहीं लगेगा। प्रेम की जितनी बारीकियां होती हैं सब हमने पढ़ा है, बिहारी को पढ़ा है, घनानंद को पढ़ा है, तमाम सारे रीतिकाल के कवियों को पढ़ा है। जब आप बिहारी को पढ़ेंगे तो बिहारी प्रेम का सारा पाठ पढ़ा देते हैं। तो बेटा, मेरे से तो खैर उसकी बात ही मत करो। हाँ बोलो। शब्द लिखते हैं जाए और या में एक ही मात्रा भी किसी में लिखते हैं और एडी का ये भी लिखते हैं, जैसे पढ़ाई हो गया, मतलब ऐसे कोई शब्द आते हैं जिसमें ई और या में बड़े की मात्रा ऐसे भी आते हैं, तो वो डिफरेंस कैसे पता सकते हैं कि इसमें क्या आ रहा है। सवाल तो अच्छा है। जिस क्रिया के भूतकालिक रूप में या आता है वहां ये होगा, यह पर ए की मात्रा, यह पर ई की मात्रा होगी। समझ में आ रहा है कि नहीं? जैसे खाया, एक खाना का भूतकालिक रूप है, खाना क्रिया का भूतकालिक रूप है, भूतकालिक रूप तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ या आया है तो इसके बाद आप चाहे खाए लिखें, चाहे खाई लिखें, उसमें आपको इसी पर मात्रा लगानी है, ठीक है, व्याकरण सम्मति है। और जिसमें अंत में भूतकालिक रूप में आ आता है, जैसे हुआ, हुआ तो यह हुई हो जाएगा और हुए हो जाएगा। आई बात समझ में? यही एक नियम है इसका। दूर हुआ कंफ्यूजन आपका? सर,
किसी भूतकाल में आए, यहाँ मात्रा की बात हो रही है कि मात्रा जो है, कई लोग खाई ऐसा भी लिख देते हैं, ये गलत है। तो अगर भूतकालिक रूप में या आया है तो ये इसी रूप में लिखा जाएगा। हाँ हाँ, और अगर भूतकालिक रूप आ के रूप में है तो कोई भी मात्रा ई पर लगेगी या ए पर लगेगी, स्वर रहेगा। क्रियाएं आप ऐसा भी लिख सकते हैं और क्रियाएं आप ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर ऐसा लिखेंगे तो आपको ऊपर चंद्रबिंदु लगाना पड़ेगा, ऐसा लिखेंगे तो केवल बिंदी लगेगी। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो वैसे हवा में हवाएं, नहीं, हवा में तो हवाएं होगा, ये आएगा। अब यहां पर देखिए, वह जो है अर्धस्वर है, वह यह और वह अर्धस्वर भी है, इस बात का भी ध्यान रखिए। हालांकि हवाएं जो है ऐसा नहीं लिखा जाता, हवाएं हमेशा ऐसा ही लिखाता है। हवाएं ऐसा कहाँ लिखा हुआ मिलता है? देखिए, बहुत सारी चीज़ें प्रैक्टिस पर निर्भर करती है, बहुत सी चीज़ें। आप भाषा में जब आप प्रैक्टिस करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे तो आपकी भाषा सुधरती चली जाती है। और कोई ऐसा नियम नहीं है जिसका अपवाद ना हो, नियम है तो उसके अपवाद भी होते हैं। इसलिए बहुत स्ट्रिक्ट होकर किसी एक ही चीज़ को फॉलो करना भी अच्छी बात नहीं है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम सही शब्दों का इस्तेमाल करें, और वो सही शब्दों का इस्तेमाल करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। आप पत्र पत्रिकाएं पढ़िए, समाचार पत्र पढ़िए, किताबें पढ़िए, और किताबों को पढ़ते हुए अगर आप शब्दों को का भंडार रखना चाहते हैं तो किताबों को पढ़ते हुए जो शब्द आपको कठिन लगते हैं उनको अलग से नोट कीजिए और बार बार उसे देखिए, पढ़िए, और फिर आप सही सही लिखना शुरू कर देंगे। तो हमें हमारा शब्दकोश बढ़ाना है। शब्दकोश जब हमारे पास होगा तो हम किसी भी बात को बड़ी आसानी से कह सकते हैं। और शब्दकोश ही नहीं होगा, व्याकरण का ज्ञान नहीं होगा, वाक्य का वाक्य विन्यास नहीं मालूम होगा, तो फिर वैसे ही है जैसे बंगाली लोग या दक्षिण भारतीय लोग टूटी फूटी हिंदी बोलते हैं, फिर वैसे बोलो। लेकिन दो अर्थ भी निकल जाते हैं, जैसे खाई, तो ई की मात्रा देखिए तो शायद खाई वाला हो गया, वो तो फिर अनेकार्थक में जाओगे तो मिलेगा। उसी में कंफ्यूज होता है फिर कभी कभी, जैसे चलाई है तो ई की मात्रा आएगा कि या वो बड़ी की मात्रा आएगा, वाक्य लिख रहे हैं तो एक बार ऐसा कंफ्यूज हो गया, कंफ्यूजन हो जाता है। नहीं, आप लिख क्या रहे हैं उसके हिसाब से ही आएगा। ऐसा नहीं है कि आप जब भी आप लिखना शुरू करेंगे, अगर आपको आपके पास शब्दकोश है, आपको व्याकरण का ज्ञान है, तो जिस संदर्भ में जो आप लिख रहे हैं वैसे ही शब्द आएंगे, दूसरे शब्द नहीं आएंगे। ये तो हमारा बहस करने के लिए या पढ़ने के लिए अनेकार्थक और ये भिन्नार्थक सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं जानकारी के लिए, अपना शब्दकोश बढ़ाने के लिए। लेकिन जब हम किसी मैटर पर अपने को एकाग्र करते हैं तो फिर उसी से संबंधित शब्दावली आती है। अब कुछ लोगों की बात अगर करें तो कुछ लोग तो ऐसा है, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं जिसका उन्हें अर्थ ही नहीं मालूम होता है, वो कहना क्या चाह रहे हैं यही नहीं समझ में आता। अभी एक लड़के की काफ़ी जांच रहा था, उसका पूरा पढ़ा डाला, दो तीन प्रश्न पर तो ऐसे पास करने के लिए नंबर देते जा रहा था, लेकिन अब नज़र ही तो है, पढ़ जाती है। एक वैसे ही जगह पर एक लाइन पर पढ़ी, फिर उसको हम पढ़ना शुरू कर दिए, पढ़े तो पूरा गोल क्या कहना चाह रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है, उसके बाद वाले प्रश्न में 0-0 हो गया। तो ऐसा है,
कि अभी तो लोग ऑनलाइन परीक्षा दे दे के खूब नंबर पाए हैं, पास हो गए हैं, लेकिन अब जो है वो क्या हम बताएं। कई बार हम लोग बस्तर यूनिवर्सिटी की कापी जांच रहे थे तो वहाँ से निर्देश आया था कि छात्रों के साथ सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार करें, मतलब नंबर ज़्यादा दें, अच्छा दें, पास कर दें। वह ऐसी स्थिति में भी हम जो है परेशान हो जाते हैं, नहीं नहीं कर पाते पास, फेल करना ही पड़ता है। तो बहुत सारी समय और परिस्थिति के अनुसार जो है निर्णय लेना पड़ता है। एग्जामिनर भी एक तरह से जज की भूमिका में होता है, और कई बार आप कह रहे हैं पास कर दो लेकिन उसका कॉन्शस नहीं अलाउ करता कि पास कर दे, हालांकि उसके उसको अपने घर से नंबर नहीं देना है लेकिन कलम ही नहीं चलती है। तो नंबर कोई जेब से निकाल के थोड़े देना रहता है लेकिन वो कॉन्शस अलाउ नहीं करता। ठीक है, तो आज हो गई क्रिया, हाँ खत्म हो गई क्रिया। हमको नहीं मालूम कहाँ तक आएगा, जिस दिन बोलेंगे जितना पढ़ाया हूँ उसमें से पूछूंगा। हैं? कल क्लास होगी कि नहीं होगी? अरे इसको बंद करो।